हेलो दोस्तों, जय श्री राम। होमबती ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मिक्स वेज का नाश्ता, वो भी सूजी वाला। चलिए दोस्तों, करते हैं अब तैयारी। इसमें डालते, कढ़ाई हो गई हमारी गर्म, इसमें डालते थोड़ा तेल। दोस्तों, अब डाल रहे जीरा। जीरे के बाद डालेंगे प्याज, इसमें डाल रहे शिमला मिर्च, येलो, ये शिमला मिर्च येलो, ये है रेड कलर की शिमला मिर्च, और ये हरी शिमला मिर्च। और इसी के अंदर डाल दी हरी मिर्च, मैंने तीन हरी मिर्च काटी थी, तो ये भी डाल दी थी। इसके डालना दोस्तों, हमने एक कटोरी सूजी ली थी मैंने, तो इसमें डालूंगी दो कटोरी पानी। अब डाल के पानी, एक कटोरी मैंने डाल दी, ये दूसरी कटोरी है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स जो हमने घर में बनाई थी, और इसी में साथ में डालेंगे थोड़ा ओरिगेनो, ये हम मार्केट से लेके आए थे। इसमें मैंने छोटे आलू दो घिसी थी घिया कस में, तो अब ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। इसमें डालना आधी चम्मच नमक, इसी के अंदर डालना सूजी, थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर, डालूंगी अमचूर पाउडर, इसको कर लेते अच्छे से मिक्स, फिर इसको करेंगे ठंडा, फिर इसको फ्राई करेंगे। दोस्तों, हमने ठंडा करने के लिए इसको फैला दिए थाली के अंदर, और घिया कस के अंदर हमने चीज घिसे, तो चीज भी ठंडे होने के बाद डालेंगे, क्योंकि गर्म में डाल दिए तो सारी चीज पिघल जाएगी, तो इसलिए पहले ठंडा करेंगे इसे। दोस्तों, अब इसमें डालेंगे दो चम्मच अरारोट, डालेंगे दो चम्मच, सब डालेंगे हरा धनिया इसके अंदर, दोस्तों अब डालेंगे इसके अंदर चीज, अब ये हो गई ठंडी, तो इसके अंदर डालेंगे चीज, अभी घिया कस में मैंने घिसी थी इसके, इसको अच्छी तरह मिक्स करना ताकि सही मिल जाए इसके अंदर। बनाना चालू कर रहे हैं इसको, थोड़ा मैंने हाथ पे तेल लगाई थी। इस तरीके से दोस्तों बनाना,
एक गोल में भी बना के देंगे, इस तरीके से भी बनाऊंगे और उस तरीके से, दोनों तरीके से। दोस्तों आप चाहो तो इसको जैसे मर्जी शेप दे सकते हो, स्क्वायर के अंदर देना है, सर्कल में देना है, ट्रायंगल में देना है, वो आपकी मर्जी है, आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से बना सकते हो। बाकी हम ये गोल और ये वाली बना रहे, शेप आप कोई सी भी दे सकते हो, टेस्ट वही रहेगा। दोस्तों अब हम इसी तरह से सभी को तैयार कर लेंगे। हमने सारी तैयार कर ली है इसको, और इतना ये बचा है हम इसको डब्बे में पैक करके फ्रिज में रख देंगे। ये ख़राब नहीं होगी, 10-15 दिन तक रख लो और फिर जब मन करे फ्राई करके खा लो। अब इनको करते हैं फ्राई हम। दोस्तों अब इनको निकाल रहे हैं। अब दोबारा से तेल डालेंगे। तोड़ मत दियो। दोस्तों हमारा नाश्ता तैयार है और आप भी आ जाइए हमारे नाश्ता खाने के लिए। और देखिए ये देखिए चीज़ डाले थे, ये देखिए इतना अंदर से सॉफ्ट है बहुत और बाहर से करारा, ये देखिए। और दोस्तों आप भी आ जाइए हमारा नाश्ता खाने के लिए। दोस्तों देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और खाने में उतना ही टेस्टी होगा। दोस्तों ये बनाया है सूजी से, लेकिन आप खाओगे तो टेस्ट बिल्कुल सूजी का नहीं आएगा, एकदम ऐसा लगेगा जैसे कुछ आलू के नगेट्स वेजिटेबल वाले खा रहे हैं। आपने वेज नगेट्स खाए होंगे, उसी तरह के लगेंगे चीज़ वाले नगेट्स। इसके साथ में दोस्तों मोमोज वाली चटनी है, ग्रीन चिल्ली सॉस है और रेड टमाटो केचप। दोस्तों जैसे हम बनाए हैं आप भी एक बारी हमारी तरह ट्राई कीजिए, 100% आप बिल्कुल सही बताओगे। अच्छा दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। और हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।